हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन सेकेंड टू आवर चैनल सुपर अनबॉक्सिंग। हमारे चैनल सुपर अनबॉक्सिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने नया लोगो बनाया है हमारे चैनल के लिए। और आज का वीडियो का जो अनबॉक्सिंग होने वाला है नोकिया फ्लिप मोबाइल, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो एक, और इस वीडियो में आगे बने रहे और पूरा वॉच करना है इस वीडियो को एंड तक। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। हाँ, तो ये है हमारा वो मोबाइल जिसका बात हम कर रहे थे, नोकिया 2720 ए फोल्ड इसका मॉडल नंबर है। तो ये है इस कुछ तरीका इसका बॉक्स दिखता है। ये फ़ोन फ्लिप, ये हाँ बता दूँ, ये एक फ्लिप फ़ोन है, मतलब जो फ्लिप टाइप का फ़ोन आता था पहले ज़माने में। तो अभी ये अमेज़ॉन पे मिल रहा था, तो मैंने अमेज़ॉन से इसको परचेस किया है। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 4000 रुपया, लेकिन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पैकेट पर लिखा है 7000। तो अभी डील चल रहा था तो मिला है। और ये बॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मोबाइल का फ़ोटो है, कुछ इस तरीके का दिखने को मिलेगा। तो निकालेंगे तब डिटेल में पता चलेगा। साइड में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन इसके प्रोडक्ट के बारे में, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, ये सब कुछ दिया हुआ है। और इसका पिछले साइड में अगर यहाँ पे दिखेंगे तो यहाँ पे लिखा है मेड इन फिनलैंड, ये फिनलैंड में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और इंडिया में इसका मार्केटिंग हो रहा है। इसका मॉडल नेम जो है नोकिया 2720 ए फोल्ड, मैं फिर से बोल दूँ 2720 ए फोल्ड है, ये फ्लिप नहीं है। तो चलिए फटाफट इसको निकाल के देखते हैं। तो पहले आप इसको अनबॉक्स, जब इसको खोलेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा मोबाइल। चलिए मोबाइल है, इसको साइड में रखे पहले देख लेते हैं और क्या क्या है। तो उसके साथ आपको मिलेगा ईयरफोन्स, एक कुछ इस तरीके का। ईयरफोन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसके बाद इसका चार्जर मिलता है, एक नॉर्मल सा चार्जर यहाँ पे मिलता है। और दोस्तों ये दिखने में 3 पिन है, लेकिन 3 पिन नहीं है, 2 पिन है। ये बस एक सपोर्ट के लिए दिया गया है, लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये एक प्लास्टिक का वजह है। ये दोनों एक्चुअल है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये 2 पिन वाला चार्जर है। और इसका जो पिन का साइज़ है, हाँ वो इस टाइप का आपको मिलता है, जो पुराने ज़माने में नोकिया का जो बहुत पहले का आता था उस टाइप का। तो बॉक्स में और कुछ नहीं है, एक यूज़र मैनुअल दिया गया है नोकिया की तरफ से, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये चार्जर का स्पेसिफिकेशन मुझे देखना होता है कि नॉर्मली जो हम स्मार्टफोन लेते हैं उसमें जो चार्जर होता है वो हम पहले उसका रेटिंग चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे मोबाइल पे, कीपैड मोबाइल में चार्जर का रेटिंग चेक करना या फिर वो थोड़ा अलग सा हो जाता है। लेकिन फिर भी ये फास्ट चार्जिंग तो आप उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसका रेटिंग एक बार देख लेते हैं। इसमें शायद इसके बॉक्स में यहाँ पे लिखा रहेगा, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे लिखा है, इसका जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है ये 2 वाट का है। सबसे पहले मोबाइल पे नज़र डालते हैं। तो चलिए मोबाइल को हम फटाफट से निकाल लेते हैं। तो ये था वो मोबाइल, और इसमें बैटरी डाली हुई है ऑलरेडी एक, और इसका जो बैटरी है वो 860 mAh का बैटरी है। तो यही है कुछ। और हाँ, ये फ्लिप फ़ोन है, आप देख सकते हैं इसको मैं फ्लिप, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें कीबोर्ड ऐसा है कुछ। इसका डिस्प्ले जो है, इसका डिस्प्ले का साइज़ है 1.8 इंच का डिस्प्ले साइज़ है इसका। और इसका एक जो ख़ास बात है, इसका फ्रंट में भी एक डिस्प्ले है। जैसे आप फ़ोन को लॉक कर देंगे तो यहाँ पे एक डिस्प्ले होता है, वो ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली लगभग 1 मिनट के बाद। ये डुअल डिस्प्ले वाला फ़ोन है। एक्चुअली ये फ्रंट वाला जो डिस्प्ले है ये उसलिए यूज़ होता है जब आपको कोई मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, उस काम में आपका ये यूज़ होता है, फ्रंट वाला जो डिस्प्ले है। और इसका ऊपर के साइड से दिखा गया आपको, ऊपर के साइड में आपको स्पीकर है, ठीक है, इसमें स्पीकर है, और पीछे के साइड में कैमरा है, और नीचे नोकिया का ब्रांडिंग है, ठीक है। और इसको अनलॉक करने के लिए पहले ओके और फिर स्टार, अनलॉक हो जाएगा मोबाइल, ओके और स्टार करके अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे साइड में दोनों वॉल्यूम और अप और डाउन का है, जैसे मैं इसको अप करूँगा तब देख सकते हैं वॉल्यूम और अप होगा, और डाउन के लिए डाउन।
ये है, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए चार्जिंग पोर्ट है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चार्ज करने के लिए चार्जिंग पोर्ट है, आपको दिख रहा होगा, फोकस करके देखते हैं। ठीक है, तो ये है, इसमें टू पिन है, एक ये पता नहीं किसके लिए है, लेकिन ये जो है ये चार्ज के लिए। और उल्टा साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ये मिलेगा आपको, ये जो है हेडफोन का वो मिलेगा, फोन का जैक मिलेगा इधर। ये अभी आज ही आया है फ़ोन मेरे पास और मैं अभी इसको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ, तो अभी जितना घंटा मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ उसके बेसिस पे मैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या कमियाँ हैं, तो इसे सब कुछ मैं बताऊँगा जितना मुझे अभी तक पता चला है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो जैसे आपको ऑन करना होगा तो पहले ओके और स्टार, ये अनलॉक होगा फ़ोन। फिर इसका जो है नॉर्मल सा बेसिक सा डिस्प्लेस में आपका जो है, इसमें कोई मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है, ये 2G फ़ोन है पहले बता दूँ, इसमें 2G सपोर्ट करता है, तो इसमें मेमोरी कार्ड नहीं डालता है। इसमें 9 MB का स्टोरेज है, और आपको इसमें अगर कोई भी स्टोर करना है तो 9 MB तक ही पॉसिबल है। ये बेसिक सा एक जस्ट ओनली फॉर कॉल एंड मैसेजेस के लिए है, और ज़्यादा इससे बढ़कर कुछ नहीं। हाँ, इसमें नेटवर्क का फीचर्स है, मतलब आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, 2G नेटवर्क का होगा, चलेगा। जियो छोड़ के कोई भी आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से कोई भी नेटवर्क ऑपरेटर हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी आप दिखा दूँ, यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस के लिए है इंटरनेट एक्सेस, और इसमें फ़ोन बुक है, ये है आपका कॉन्टैक्ट लॉक, और ये है आपका गैलरी, यहाँ पे आपका फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ हैं, मल्टीमीडिया से जितने भी है सब कुछ शो करता है, डिस्प्ले होता है। थोड़ा फोकस करके दिखाओ, और इसके आगे ये है आपका एप्लीकेशन में गेम्स हैं, कलेक्शन है। एक्चुअली इसमें आप इंटरनेट से भी कंटेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे गेम का वारी हो गया, गेम इंटरनेट से भी डाउनलोड हो जाए, आप ऑफलाइन से भी, मतलब ब्लूटूथ, हाँ इसमें ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ से भी आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गेम्स हो गया, पिक्चर्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, वीडियोज़ हो गया, सब कुछ ब्लूटूथ से भी ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन 9 MB तक स्टोरेज है, इसमें स्टोरेज में कितना अवेलेबल है वो भी मैं दिखा दूँगा। इसमें जैसे ये मल्टीमीडिया का ऑप्शन है, इसमें कैमरा ओपन होगा, इसमें वीडियो है, कैमरा है इसमें 1.3 MP का, और इसमें जो रेजोल्यूशन सपोर्ट है वो आई थिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमरा आपने ओपन किया तो कैमरा कुछ इस टाइप का होता है, इसमें जो रेजोल्यूशन मुझे दिख रहा है 960x1280 तक इसका जो रेजोल्यूशन है वो मुझे दिख रहा है, और बाकी इसमें FM रेडियोज़ भी है और कुछ इस तरह का था। और जो स्टोरेज का है, आप सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पे प्रोफाइल से थीम से आप थीम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप जाइए, कहाँ पे जाना है आपको, फ़ोन में जाना है, और उसके बाद मेमोरी स्टेटस में आप देख सकते हैं। इसमें टोटल जो साइज होता है वो 9.3 MB का है, और इसमें मैंने कुछ फाइल ऑलरेडी गाने डाउनलोड करके रखा है, और इसलिए इसका जो फाइल का भी साइज है वो 6.3 MB का है। हाँ, क्योंकि गैलरी में मैंने 4.3 MB का फाइल डाल के रखा है, इसमें सब कुछ देखा, मैसेज एप्लीकेशन कितने का है, एप्लीकेशन 1.0 MB का है। बाकी स्पीच, हाँ स्पीकर का क्वालिटी कैसा है मैं एक गाना बजा के दिखा देता हूँ। गाना बजाने के लिए आप जाइए म्यूज़िक में, जैसे आप जाइए यहाँ पे है म्यूज़िक मल्टीमीडिया, इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे आ जाइए नीचे म्यूज़िक प्लेयर, इसमें आपने ओके कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे उसका स्पीकर है, यहाँ से आ रहा है साउंड आउटपुट, आई होप आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। वॉल्यूम अप डाउन भी होता है। जी हाँ दोस्तों, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे एक लाइट फ्लैश होता है, आपका मोबाइल आप टर्न ऑफ कर देते हैं, मतलब लॉक करने के बाद ये ऑफ कर देते हैं, तो कुछ मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पे एक लाइट जलता है, मतलब ये सेकेंडरी डिस्प्ले है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स का बटन है ना,
इसको फोल्ड बंद करने के बाद 3 से 4 मिनट बाद ये जो सेकेंडरी डिस्प्ले है इस मोबाइल का, ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अंदर वाला डिस्प्ले ऑफ होकर ये वाला एक्टिवेट होता है। ये है नोटिफिकेशन के लिए। मान लीजिए कोई कॉल आता है, आपका SMS आ जाता है, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन जो अदर होता है, चार्जिंग का, लो बैटरी का, सबका, गाना चल रहा है उसका, सबका नोटिफिकेशन इसमें दिखता है। ठीक है, लेकिन वो जब प्राइमरी जो आपका डिस्प्ले मोबाइल का अंदर वाला, वो बंद होने के बाद 2 से 3 मिनट बाद ये एक्टिवेट होता है। तो उसके बाद जैसे मैं यहाँ वॉल्यूम का बटन प्रेस करूँगा ना, तो देखिए मैंने 2 बार प्रेस किया, यहाँ पे कीपैड लॉक्ड है, मतलब इसमें कोई भी बटन सब नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन कोई मैसेज आएगा तो इसमें आपका बस शो करेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने प्रेस किया कीपैड अनलॉक, और यहाँ पे देखिए थोड़े टाइम के लिए मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, फोकस कर। ये मैंने प्रेस किया और देखिए इसमें आपका डेट भी उठता है, नॉर्मल टाइप है, डेट टाइम और कितना चार्ज है, कौन सा नेटवर्क ऑपरेटर है, मतलब कौन सा सिम है, कौन सा कंपनी का, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और जब ये सेकेंडरी डिस्प्ले एक बार एक्टिवेट हो जाता है, तब सिर्फ आपको एक बार ऐसे फोल्ड करना है, ऑटोमेटिक अनलॉक्ड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे अगर कॉल भी आता है ना, सेकेंडरी डिस्प्ले जब आपका एक्टिवेट होता है, उसके बाद आपको इसको अनफोल्ड कर देना फ़ोन को, वो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा, और जैसे आपको बंद कर देते हो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा है इसमें, कोई इसमें मुझे अभी तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैंने अभी सिम नहीं लगाया, तो सिम लगाने के बाद इसका कॉलिंग का, ये मेनली मैंने जैसे बताया ये बेसिक फ़ोन है, बस कॉल मैसेजेस करने के लिए, और बहुत ही हल्का, हैंडी और कॉम्पैक्ट है। इसका वेट जो यहाँ पे लिखा है वो 90 ग्राम्स लिखा रहा है, लेकिन मुझे ये बहुत ही हल्का, बहुत ही हैंडी लग रहा है। और आप लोगों को अगर इसके कॉलिंग के फीचर्स के बारे में, या फिर कोई दूसरा अगर कोई फीचर्स के बारे में आपको पूछना है, मुझे जितना अभी तक मैंने देखा उतना आप सबको ये इस वीडियो में मैंने बताया। इसके अलावा भी कुछ अगर जानना है तो मुझे डिटेल में वो कमेंट करके बताएं, और मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और उसके हिसाब में मैं रिप्लाई भी करूँगा। और अगर इसका आपका कॉलिंग का और मैसेज का फीचर्स देखना है, तो उसका भी एक अलग सा मैं रिव्यू वीडियो उसके लिए लाऊंगा, इसके जैसा है। लेकिन आप लोगों को उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना पड़ेगा। और अगर नया है तो ज़रूर हमारा जो ये चैनल है, अरे भाई साहब के फोटो भी लगा दिया है, ये इसका चैनल है, दीपायन क्रिएशन। ठीक है, तो मिस्टर दीपायन की चैनल सुपर अनबॉक्सिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हमारे लिए एटलीस्ट 1 लाइक तो बनता ही है। तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।